RPTV न्यूज़ की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। बाढ़ की चपेट में आने से दो भैंस की मौके पर मौत। बड़वानी जिले के अमजद से लगे बोलाया गांव से लगे नाले किनारे खेतों में बाढ़ की चपेट में आने से दो भैंसें मर गयी। पक्षु मालिक नानीराम गणपत धनगर ने थाने पर आवेदन देते हुए बताया कि शनिवार दोपहर 3 बजे खेतों में भैंस को चराने ले गया था। भैंस चरने के दौरान बिजली खंभे से टूटकर जमीन पर पड़े तारों की चपेट में आ गई, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों भैंसों की मौत हो गई। घटना स्थल पर मौजूद पशुपालक और 7 अन्य मौजूद लोगों ने घटना की सूचना विद्युत विभाग को देकर बिजली बंद कराई, जिसके बाद अंजित थाने पर आकर आवेदन किया। विधिक पशुपालक नानुराम धनगर ने बताया, विद्युत विभाग की इस लापरवाही से मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरे साथ वहां मौजूद अन्य लोगों की जान भी जा सकती थी। पुलिस को दिए आवेदन के बाद देर शाम पशु चिकित्सक डॉक्टर द्वारा मृत दोनों भैंसों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विधिक पशुपालक ने बिजली विभाग से मुआवजे देने की मांग की है। क्या नाम है आपका? नानुराम। कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? लाइन लगी हुई थी करंट। कितनी भैंसें थी? 2। क्या समय था उसका? 13:30। तो कितनी देर में खत्म हो गई दोनों भैंसें? 10 मिनट में फटाक से गए। 4 थे तो बाकी थे, ज्यादा थे तो 4 में से 2 भागी गए थे, तो वहाँ 10 मिनट में खत्म। कैसे लगा था? इन्हें टाइम नहीं था, चेक पड़े ला था। कहाँ पे? नाला में, हनुमान मंदिर का पीछे। कितनी भैंसें थी ये 2 के अलावा? 4 आई थी इन्होंने टार पर, बाकी पीछे थे।